अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद सगीर है। मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हूँ पुलिस में, मुल्तान से बिलोंग करता हूँ। आज मैं आपके सामने अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होने से पहले मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल भी रहा हूँ। तो उस इंटरव्यू में मैंने पंजाब में टॉप किया था, सेकेंड पोजिशन पर मैं आया था और 92 नंबर्स मुझे मिले थे इंटरव्यू में, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू में मुझे 80 नंबर्स मिले हैं। तो आज मैं आपके सामने जो है अपने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा। तो जब मैं अंदर गया तो मैंने पैनल को सलाम किया, उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया तो मैंने बैठ कर उनका शुक्रिया अदा किया। तो पैनल के जो मेंबर साहब थे उनकी तरफ से पहला सवाल ये किया गया कि अपना तारुफ करवाएं। तो मैंने उनको बताया कि मेरा नाम मोहम्मद सगीर है, मेरे वालिद साहब का नाम अल्लाह बख्श है, मेरी कौम भट्टी, बस्ती लियाकताबाद, अड्डा बरसाती, बोसन रोड, मुल्तान का रिहायशी हूँ। 2006 में लुत्फाबाद हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तहान पास किया, 2008 में एमर्सन कॉलेज से इंटर का इम्तहान पास किया और 2012 में डिपार्टमेंट में रहते हुए बीए का इम्तहान पास किया, और उसके बाद मैंने मास्टर्स मुतालिया पाकिस्तान के एग्ज़ाम दिए। तो पहला सवाल उन्होंने मुझसे ये किया कि आप कहाँ कहाँ आपने ड्यूटी की है। मैंने उनको बताया कि मैंने पुलिस लाइन में भी ड्यूटी की है, थाना चहलियक में भी ड्यूटी की है, 15 मुल्तान पे भी ड्यूटी की है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में भी ड्यूटी की है, और रिसेंटली जो है मेरी पोस्टिंग अब भी पुलिस लाइन में है। तो उन्होंने कहा कि जी आप थाना में आप कितना अरसा रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि थाना में मेरी पोस्टिंग रही है 1.5 महीना। तो वो चौंके, उन्होंने कहा कि क्यों, 10 साल आपकी सर्विस है और आप जो है थाना के अंदर सिर्फ 1.5 महीना। तो मैंने उनको बताया कि गवर्नमेंट ने इससे ज़्यादा मुझे लगाया ही नहीं। तो खैर, उसके बाद उन्होंने मुझसे ये पूछा कि ये बताएं कि क्या क्या तब्दीली आपने देखी है डिपार्टमेंट के अंदर, जहाँ जब से आप भर्ती हुए हैं 2009 से बताएं। तो ये एक ऐसा सवाल था कि जिसके बारे में ये कह लें कि मेरी शायद तैयारी नहीं थी, मैं अपने हिसाब से तैयारी करके गया था। तो बहरहाल मैंने उनको ये बताया कि जब मैं 2009 में भर्ती हुआ तो मैंने देखा उस वक्त आवाम में जो है अवेयरनेस की कमी थी, आवाम जो है पुलिस के पास जाते हुए भी खौफ ज़्यादा होते थे और हिचकिचाते थे, और अक्सर औकात पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई नहीं होती थी, बाज़ औकात तो मुंशी भी जो है अप्लीकेशन गुम कर देता था, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती थी। तो उसके बाद वक्त गुजरता गया, हालात बदलते गए, मीडिया आज़ाद हो गया, सोशल मीडिया आम हो गया, आवाम में अवेयरनेस आ गई, पुलिस के अंदर फ्रंट डेस्क आ गया, उसके ऊपर जब एप्लीकेशन दी जाएगी तो उसको वो नंबर अलाट होने लगा, जो है आईजी ऑफिस से जो है कॉल आने लगी, ये पूछा जाने लगा कि आपकी जो है एप्लीकेशन के ऊपर कार्रवाई हुई है या नहीं हुई। इस वजह से जो है पुलिस की कारकर्दगी में भी इजाफा हुआ और आवाम के अंदर जो पुलिस से मुतलक एतमाद या खौफ की फ़िज़ा थी वो ख़त्म हुई और जो है एतमाद बढ़ा। तो ये चीज़ें मैंने उनको बताई। तो उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि 2009 से लेके अब तक आपने जितनी ड्यूटीज़ की हैं तो कौन सी ड्यूटी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, और आप ये भी बताएंगे कि वो क्यों अच्छी लगी है। तो मैंने उनको बताया कि माफ स्कार्ड की ड्यूटी थी वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है। तो पूछा गया क्यों, तो मैंने उनको बताया कि माफ स्कार्ड में हम जो है नाके लगाते थे, गश्त करते थे, और जो है जराइम के इंसदाद के लिए जो है चेकिंग बैलेंस का काम सर अंजाम देते थे। तो जब कभी कोई मनशियात फरोश या असला फरोश या असले के साथ हम उसको पकड़ते थे तो हम जब उसको थाना के हवाले करते थे थाना वालों के, तो हम कंट्रोल पे कॉल चलाया करते थे, तो उस वक्त हमें यह तसल्ली हो जाती थी कि अब इस बंदे के ख़िलाफ़ हर सूरत कार्रवाई होगी। तो इस वजह से ये ड्यूटी मुझे बाकी ड्यूटी की नस्बत ज़्यादा अच्छी लगी है। जैसे अगर मैं 15 पे हूँ तो वहाँ पे मैं सिक्योरिटी ड्यूटी पे मामूर हूँ, तो उस वक्त तो मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि खुदा न खास्ता जब कभी कोई मिसबिहेव होता है तो मैं जो है उसका इंसदाद करने के लिए जो है वो कार्रवाई स्टार्ट करूँगा, अदरवाइज़ मेरा काम वहाँ पर जो है सिर्फ पहरा देना है। तो खैर, ये सुनने के बाद जो है वो मेंबर साहब ने जो दूसरे एडवाइज़र साहब थे उनको इशारा किया कि जी अब आप सवाल करें। तो उन्होंने जो है वो मुझसे पूछा कि अच्छा, तो आपने इंटर जो है एमर्सन कॉलेज से किया है। मतलब एक ऐसे अंदाज़ में सवाल करना कि बंदा सोचे कि शायद मैंने कोई गलती तो नहीं कर ली। बहरहाल मैंने जो है उनको बताया कि जी सर। तो उन्होंने पूछा कि ये बताया कि ये एमर्सन कौन था। अब यकीन जाने ये सवाल सुनने के बाद
मुझे ऐसे लगा कि मैं जो कुछ तैयारी करके आया था शायद इनको पता है और ये जानबूझ के वो सवाल कर रहे हैं जो मुझे आते ही नहीं है। तो बहरहाल ये अमेरसन के बारे में मैंने बहुत अरसा पहले पढ़ा था, तो मैंने अपने जहन पे थोड़ी देर के लिए सिर्फ सोचा कि मेरे जहन में दो ऑप्शन है, या तो ये गवर्नर पंजाब है या ये पहले प्रिंसिपल हैं। तो मुझे जहाँ तक याद आया तो मैंने उनको बताया कि ये गवर्नर पंजाब थे, तो बाद में चेक करने पर पता चला कि ये वाकई गवर्नर पंजाब ही थे। तो खैर अगला सवाल उन्होंने ये किया कि एएसआई की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती होने आए हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। तो मैंने उनको बताया कि चेक एंड बैलेंस और आवाम की जानो माल की हिफाजत के साथ साथ एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की ज़िम्मेदारियाँ जराइम की तफ्तीश करना, एविडेंस कलेक्ट करना, अदालत में पेश करना, ठीक है, इश्तियारी पकड़ना, उसके अलावा जो है डिपार्टमेंट की दूसरी ड्यूटीज़ जो उस वक्त मुझे याद थी वो मैंने उनको बताई। तो अगला सवाल उन्होंने ये किया कि ये इस्तगासा और कलंदरा में क्या फ़र्क है। तो मैंने उनको बताया कि कलंदरा एक ऐसी कार्रवाई है कि जब किसी आईओ को, पुलिस ऑफिसर को ये पता चल जाए, ये माकूल वजह उसके पास जानने की हो कि ये कोई शख्स जिसके मुतल्लिक एहतमाल है कि ये कोई जुर्म करने वाला है, तो इसको उस जुर्म करने से रोकने के लिए गिरफ्तार करने के सिवा कोई और चारा नहीं है, तो वो उसको उस जुर्म के इंसदाद के लिए उसको जो है वो गिरफ़्तार करेगा और उसका कलंदरा बना के जो है वो अदालत में पेश करेगा। अब इस्तगासा वो रिट होती है जिसको नॉलेज भी कहते हैं कि मजिस्ट्रेट के रूबरू दी गई एक अप्लीकेशन, एक बयान कि जिसमें ये कहा जाए कि किसी शख्स मालूम या नामालूम से कोई जुर्म सरजद हुआ है और अदालत उसके खिलाफ जो है कानून के मुताबिक कार्रवाई करे, लेकिन इसमें पुलिस अफसर की रिपोर्ट शामिल नहीं होती। उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि आप काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में भी ड्यूटी किया है। मैंने कहा जी सर। तो जी आप वहाँ पे कौन सी ड्यूटी करते थे। मैंने उनको बताया कि हम जी वहाँ पे सिक्योरिटी ड्यूटी पे मामूर थे। तो उन्होंने ये पूछा कि ये जो साहिवाल में जो रिसेंटली कुछ अर्सा पहले एक वकूआ हुआ है, तो आपको पता है उसका। मैंने कहा जी सर। तो आप किस नज़र से देखते हैं। मैंने कहा वो अच्छा नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर वो कुछ कॉर्पोरल्स ने जो है वे एक कार के ऊपर जो है फायरिंग करके खलील और उसकी जो है फैमिली को जो है वो कत्ल हो गया थे, कर दिया था। तो मैंने उनको बताया कि ये गलत किया है, अगर वो समझते थे कि ये दहशतगर्द हैं तो उनका काम था उनको रोकते, उनको चेक करते, उनको पकड़ते, उनके खिलाफ़ FIR होती और बाकी कार्रवाई बाद में होती। तो ये दुरुस्त नहीं है कि आप जो है जिसके ऊपर आपको शक हो और आप उसकी जो है फायरिंग करके उसको जो है जान से ही मार दें, तो ये गलत है। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है JIT भी बनी थी इसके ऊपर और उसमें जो है पहले अफसरान को जो है वो OSD बनाया गया था, तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक इनको क्लियर किया गया और ये वापस अपनी सीटों पे बहाल हो गए। तो उन्होंने पूछा ये CTD वाले एक रेड बुक यूज़ करते हैं, आपको पता है। मैंने कहा जी वो मुझे पता नहीं है। उसके बाद जो है उन्होंने नेक्स्ट जो पुलिस की तरफ से मेम्बर थे SP साहब ज़फ़र बुज़दार साहब, तो उनको इशारा किया, तो उन्होंने मुझसे पहला सवाल ये किया कि ये बताएं आप थाना के अंदर संतरी की क्या ज़िम्मेदारियाँ। मैंने उनको बताया कि थाना के अंदर संतरी की जो ज़िम्मेदारियाँ वो मेन तो ये है कि सबसे पहले वो हवालात में मौजूद हवालातियों की गिनती करेगा, उनकी हरकत व सकनात को जो है वो नोट करेगा कि कहीं कोई ऐसी कार्रवाई तो वो नहीं करना चाहते कि अगर वो तोड़ कर तो भागना नहीं चाहते, बिला वजह किसी आदमी को जो है हवालात के करीब नहीं आने देगा, नहीं रुकने देगा, बाहर से आने वाले लोगों से जो है आने की वजह पूछेगा, और सबसे बड़ा इस हवाले से जो है वो चाको चौबंद रहेगा कि बाहर से आकर कोई आदमी थाना के अंदर कोई मिसबिहेव ना करे। उसके बाद उन्होंने मुहर्रर की ज़िम्मेदारियाँ मुझसे पूछी, तो मैंने उनको बताया कि तमाम जो है रजिस्टर थाना के अंदर उनकी मेंटेनेंस मुहर्रर की ज़िम्मेदारी है, तमाम खतों किताबत नई आने वाली डाक SHO साहब को दिखाना और उनके अहकाम आगे लेकर फर्दर कार्रवाई करके साइन करवा के भेजना, मुलाजमीन की ड्यूटियाँ लगाना और बाकी जितने भी थाने के मामला हैं रोज़मर्रा के, वो सारे के सारे मुहर्रर की ज़िम्मेदारी हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा जी मुहर्रर बतौर महासिब उसकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो मैंने उनको बताया कि नकदी मामलात जो पैसों से मुतलिक मामलात होते हैं तो वो जो है मुहर्रर की ज़िम्मेदारियों में बतौर महासिब आते हैं। उसके बाद जो है फिर दोबारा मेंबर साहब ने मुझसे ये सवाल किया कि सगीर साहब ये बताएं कि ये जो अदालतों से मुलजमान रिहा हो जाते हैं, ये पुलिस की नाकिस तफ्तीश होती है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं। मैंने उनको बताया कि एक ट्रेनिंग असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर
जब सहाला कॉलेज से कोर्स करने के बाद डी कोर्स के लिए किसी थाना पर जाता है तो कानून ये कहता है कि उसको कुछ अरसा मुहर्रर के साथ बिठाया जाए, वो मुहर्रर का काम देखे, मुहर्रर का काम सीखे। इसी तरह कुछ अरसा दूसरे तफ्तीशी अफसरान के साथ उनकी जो है ड्यूटी लगाई जाए एज ए सबऑर्डिनेट, वो उनका काम देखें और उनका काम सीखें। इसी तरह कुछ अरसा जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साहब हैं थाना में उनके साथ, और कुछ अरसा SHO साहब के साथ। तो इस तरह जो है उसके वो 18 महीने 1.5 साल का मुकम्मल करना होता है। लेकिन हमारे थाने के ऊपर जो है ये प्रैक्टिस है कि जैसे ही कोई थानेदार जाता है डी कोर्स के लिए तो उसको जो है फौरन जाते ही वो मिसलों का जो एक बंडल बना के दे दिया जाता है कि जी आपने ये काम करना है। तो वो बंदा साला कॉलेज से पढ़ा होता है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है उसको दुरुस्त करने की, लेकिन अगर इसके बावजूद कहीं गलती हो जाए तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि उसने नाकिस तफ्तीश की है, वो तफ्तीश करना नहीं चाहता था या वो कोई निकम्मा थानेदार था, तो आप उसको नहीं कह सकते। उसके बाद उन्होंने फौरन दूसरा सवाल किया, चलें ये तो अब हो गए ना इसकी डायरेक्ट थानेदारों की बात, ये जो पुराने रैंकर हैं जिनकी 30-30, 35-35 साल सर्विस होती है, ये जब गलतियाँ करते हैं। मैंने उनको बताया कि थाना के अंदर जो है कमी होती है नफरी की, तो इस वजह से एक थानेदार के पास जो है 30-30, 40-40 मिसलें होती हैं और बड़े थानों में तो 50 से भी ज़्यादा मिसलें होती हैं। तो अगर एक पुराना मतलब 50, 55 या 58, 59 साल का एक थानेदार सब इंस्पेक्टर अगर वो इतनी मिसलें लेकर वो काम कर रहा है, इसके बावजूद अगर कहीं पर जो है वो मिस्टेक हो जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि जी उसने जानबूझ के ऐसा किया है। तो फौरन से मुझे कहते हैं कि सगीर साहब आप पुलिस के बंदे हैं तो कभी आप तो मेरे ख्याल में पुलिस के ख़िलाफ़ कोई बात करना नहीं चाहते। मैंने कहा ये बात नहीं है, मैंने आपको पहले अभी बताया है कि जो रूल है वो ये कहता है कि जी थानेदार को डी कोर्स में ये काम कराया जाए लेकिन उससे और काम कराए जाते हैं, तो ये मैंने पुलिस के ख़िलाफ़ ही बात की है। तो खैर इस बात से वो सेटिस्फाइड हुए और अगला सवाल उन्होंने ये किया कि सगीर साहब फिर ये बताएँ कि इसके बावजूद आवाम पुलिस से नालां क्यों हैं। मतलब हर बार एक ऐसा सवाल जिसकी मैंने तैयारी नहीं की होती थी। ये तकरीबन सारा का सारा जो है इंटरव्यू इस तरह चल रहा था कि जैसे मेरी सारी 10 साल की सर्विस थानों में गुजरी हो, हालांकि मैं इससे पहले उनको बता चुका था कि मेरी थाना पे सिर्फ 1.5 महीना नौकरी है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सारे सवाल जो है थाना और आवाम के रिलेटेड जो थे वो किए। तो उस वक्त मैंने उनको बताया इस सवाल का जवाब कि आवाम पुलिस से नालां क्यों हैं। इस सवाल का मैंने उन्हें यह जवाब दिया कि इंसान पदाशी तौर पर अपनी बात मनवाने का आदि है। इंसान चाहता है कि अगर मुझे थप्पड़ लगा है तो मैं उसके बदले अगले बंदे का सर फाड़ दूँ। तो इस वजह से जो है बहुत से केसेस चूँकि बेलेबल होते हैं, अदालतें बेल ले लेती हैं मुलजमान की, आवाम समझते हैं कि ये जो है थानेदार ने नाकिस तफ्तीश की है या उसने जानबूझ के जो है वो दूसरी पार्टी से पैसे लिए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। और अब ये सूरत हाल कम है क्योंकि मीडिया और आवाम में अवेयरनेस की वजह से आवाम को भी अब शऊर आ गया, तो ये बात नहीं है। उसके बाद उन्होंने मुझसे दो सवाल और किए इसके हवाले से, मेरी डिग्री के हवाले से, कि कायदे आज़म के 14 नुकात बताएं, ये कब हुए। मैंने ये बताने के बाद स्टार्ट करना शुरू किया तो उन्होंने कहा ठीक है। अगला सवाल उन्होंने ये किया कि पाकिस्तान के चारों सूबों का रकबा बताएं, तो स्टार्ट तरतीब में बताना है जी। तो मैंने जब बलूचिस्तान का नाम लिया और मैं रकबा बताने लगा तो उन्होंने कहा सिर्फ तरतीब बता दें, बाकी ये ना बताएं कि बलूचिस्तान का कितना है, पंजाब का कितना है। तो मैंने उनको तरतीब बताई, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा। तो उसके बाद उन्होंने जो है मुझे कहा ठीक है जी बेटा आप जा सकते हैं। तो मैं थैंक यू कहकर वापस आ गया। ये था मेरा, ये तकरीबन कोई 20 मिनट का इंटरव्यू था और ये सारा का सारा इस तरह था कि जैसे एक प्रैक्टिकल होता है, मतलब थाना के अंदर जिसने कोई ड्यूटी कर ली होती है इस हिसाब से था। जितनी मैं तैयारी करके गया था उस हवाले से चीज़ें सामने नहीं आई। तो इंशाल्लाह ये आप मेरा एक्सपीरियंस देखेंगे, आपको कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा अपनी तो उसमें मैं आपको असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल के इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा और ये भी साथ साथ बताऊंगा कि क्या वजूहत थी कि मैं वो जॉब छोड़कर वापस आया एज ए कॉन्स्टेबल और दोबारा एग्ज़ाम देकर मैं ASI हुआ हूँ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।